हेलो एवरीवन, क्लास 9th, आई एम राशिद खान फ्रॉम लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर। क्लास 9, टुडे आई विल हैव टू स्टडी अबाउट दैट टॉपिक इन द चैप्टर नंबर 3, दैट इज मैटर अराउंड अ स्फीयर, इन विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ अ सॉल्यूशंस लाइक प्योर सॉल्यूशन, आर ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कंपाउंड्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अ कंपाउंड्स, सॉरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ collides and its type, the different form of the number of solutions where use, importance, how they can be formed, and as well as here we will have to study about the saturated and unsaturated form, what is the saturation and unsaturation. Intermolecular space. The intermolecular space in between the liquid is more than that of a solid. Why? Because there is the particles arranged that is far apart from one another. They are arranged far apart from one another in comparison to the solid molecule. The particles of solid. Why? Because there is a some intermolecular space across them. Or might be the space present. So, जितना स्पेस इस वाटर के अंदर पार्टिकल के अंदर रहता है, अगर उतने लेवल तक हम लोग क्या करें, शुगर डिजॉल्व कर दें, राइट, शुगर डिजॉल्व करें और हर एक कॉर्नर में ये चले जाए, जहां पे भी स्पेस इसका है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, उसमें शुगर के मॉलिक्यूल, शुगर के पार्टिकल क्या हो जाए, पहुंच जाए, राइट। तो ये शुगर के पार्टिकल सपोज करिए कि सब जगह पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, राइट, ओके। तो व्हाट हैपेंस देन, देन इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, गॉट इट, इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड। So even a small quantities of solute in the form of sugar, after adding in it, could not dissolve any more. Understood? Do you understand what I am trying to say? The molecule, it is in the form of a solute, that is a sugar, even could not dissolve, even could not dissolve any more of a small amount of a sugar could not be dissolved. Why? इसमें छोटा सा भी अगर हम लोग थोड़ा सा भी sugar का अगर amount डालेंगे तो भी वो dissolve नहीं होगा। Suppose करिए कि आपके पास एक वेसल ले लीजिए, ये वेसल है और वेसल के पास यहाँ पे कैप लगा हुआ है, इसके अंदर कोई चीज आप उड़ेल रहे हो, कोल्ड कर रहे हो, तो कहां पर कोल्ड होगा, यहां पर कोल्ड हो जाएगा क्या, इसके बाद भी इसको चाहोगे तो इसके अंदर कोई मटेरियल जा, इसके अंदर अब यहां तक ये पैक हो गया पूरा, फिर इसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल डालोगे जाएगा, या एक काम करते हैं, ये जो आप देख रहे हो वेसल है, खाली बॉटल है, खाली बॉटल ऊपर से कैप लगा दे, खाली बॉटल अगर ये है वेसल है, इसके ऊपर से कैप लगा हुआ है और कैप लगाने के बाद एयर रहने की वजह से इसके अंदर कुछ भी आप एक्सपोर्ट करोगे नहीं जाएगा, जब तक कि इधर से ये जो आप लिक्विड इंटर कर रहे हो यहां से, जब तक उसको गैस से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, तब तक उसके अंदर वाटर या लिक्विड अंदर नहीं जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे ही जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो गैप रहता है, उस गैप में जब शुगर मॉलिक्यूल या शुगर के पार्टिकल्स कंप्लीटली इसको क्या करते हैं, स्पिन कर लेते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा भी अमाउंट डालेंगे शुगर का तो नहीं होगा, अब डिसॉल्व नहीं होते तो क्या करके इसको हम लोग ट्राई करेंगे, हीट दे देंगे, हीट भी देंगे, टेम्परेचर राइज करेगा,
तब भी क्या होगा, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका पेट पूरी तरह से भरा हो, उल्टी पट्टी कर रहे हो, उसके बाद भी खाने को दिया जाए, खाओगे? नहीं खाएंगे। तो हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो खाएंगे नहीं। यहां भी वही कंडीशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच नो मोर स्मॉल अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट कैन बी एडेड इवन आफ्टर रेजिंग द टेम्परेचर एट अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच नो मोर सिंगल स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। Unsaturated solution is what? Unsaturated solution is a solution in which the solute can be added. How they can be added? They can be added by raising its temperature. While raising the temperature, its particles get collapsed. And while the collapsing molecular small amount of a gap are present, or you can say there is an intermolecular space are available in which the sugar particles can be added, and that is why it is called as unsaturated. Why? Because the other solute particles can be added in it by raising its temperature. What is my point? ये जो पार्टिकल्स है, इस पार्टिकल्स में जब भी हम लोग ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, हम लोग सॉल्यूट को ऐड कर सकते, कैसे ऐड करेंगे? अगर आप किसी चीज को गर्म करते हो तो गर्म करने का क्या होता है, एक्सपेंड कर सकता है ना। देखो लोहे को जब गर्म करते हैं तो पीछे जाकर तो क्या होता है, उसका बढ़ जाता है ना। लेकिन अगर उसको फ्रीज में डाल दो या उसका टेम्परेचर और कम कर दो तो क्या उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट होगा पीटने पे? तो फिर कोई भी असर नहीं होगा। इस प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, इसका पार्टिकल ब्रेक कर जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल क्या कर जाएंगे, टूटने लगेंगे, और टूटने की वजह से इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आ जाएगा, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से इसके अंदर जो सॉल्यूट मटेरियल है उनको हम लोग डिजॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जब फर्दर सॉल्यूट ऐड हो सकता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। कंडेंस होंगे या एक्सपेंड होंगे जी, बताओ। ठीक ठीक है, बताओ। देखिए इसमें हम लोग टेम्परेचर रेज करेंगे, इसका टेम्परेचर रेज कर रहे हैं, और इसको हम लोग कूल करेंगे, तो इसके पार्टिकल्स पे क्या इफेक्ट होगा, थोड़ा सा बोलिए, आवाज कम आ रही है, स्पीक लाउडली। बोलो जी, साक्षी बोलो। देखिए दो चीजें याद रखिए, हमेशा जब किसी भी मटेरियल को हीट किया जाएगा तो हीट करने की वजह से उसके पार्टिकल एक्सपेंड हो जाते हैं, राइट? किसी भी मटेरियल को जब हीट किया जाएगा तो पार्टिकल एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड मतलब फैल जाएगा दूर तक, या उसके पार्टिकल एक्सपेंड कर जाते हैं, एक्सपेंड करेंगे तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो पार्टिकल्स एक दूसरे से जब दूर चले जाएंगे इसको हम लोग एक्सपेंडेशन कहते हैं, एक्सपेंड हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कि जब किसी लोहार के पास जाते हो तो भट्टी में रख करके उसको टेम्परेचर बढ़ाता है,
उसको गर्म करता है, बहुत हीट करने के बाद क्या करता है, उसी पे हथौड़े से मारता है, हथौड़ा मारने से उसका साइज बड़ा हो जाता है, देखा है। लेकिन क्या लकड़ी को गर्म करने पर मारोगे बड़ा होगा, नहीं होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे अभी पहले की वैल्यू आपको, पहले की वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद हम इसी को दूसरा क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर टू इज थर्टी फाइव एम एल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मिक्स विथ वन नाइन्टी फाइव एम एल सोडियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड आउट द यस वॉल्यूम बाय कॉन्सेंट्रेशन। यस क्या हुआ, एसिटिक एसिड मिक्स विथ 195 ml, 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, फाइंड आउट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। देखिए फर्स्ट वाले का वैल्यू क्या था, वेदांत तिवारी जरा बताओ तो 15 और 15 ग्राम, चलो वेदांत बताओ 15 ग्राम और 15। यहां पे फर्स्ट वाला आंसर देख लीजिए, मास परसेंटेज लिखेंगे और मास परसेंटेज में लिखेंगे 15 upon 135 into 100, राइट। क्या अब यहां पर यह आ गया 100/9, 100/9 को करेंगे डिवाइड तो वैल्यू क्या आएगी, मास बाय मास परसेंटेज, राइट। जिसका जिसका ये वैल्यू आया उसका आंसर सही है। अभितोष अच्छा पहले दिखाओ तो कॉपी दिखाओ, अरे तो जब समझेगे नहीं तो ऐसा क्यों लिखता है नालायक। हाँ ठीक है चलो, हाँ देखते हैं। हाँ देखो यहाँ पे है 195 ml और यह है 35, इसको क्या अज्यूम कियो, हमें सबसे पहले बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या अज्यूम कियो। हाँ वेरी गुड, 195 को सॉल्वेंट नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन सही। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा होगा, इसको याद रखिए, क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि इट इज डिजॉल्व इन 195 ml सॉल्यूशन, तब हम उसको सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे, और अगर कुछ दूसरा दिया है तो इसका मतलब वो सॉल्वेंट है। ओके अरे और सब कहां गई गए। अच्छा चलिए यहां पे देखिए हम फिर से दूसरा वाला इसको सॉल्व करते हैं।
यहां पे जब भी कुछ रहेगा ये कहा गया देखो जब यहां पे ये वैल्यू दी है यानी कि जो बड़ी वैल्यू है या कह सकते हो जो लार्जर एक्सचेंज में दिया है लार्जर अमाउंट में वो छोटी का जो अमाउंट है वो तो सल्यूट है नो डाउट जो उससे बड़ी वाली अमाउंट है अगर उसमें ये डायरेक्ट दे दिया है कि इट इज डिजॉल्व इन 195 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तब आप इसको सॉल्यूशन अज्यूम करेंगे अदरवाइज इफ इट इज गिवन इन सॉल्वेंट गॉट इट तो सॉल्वेंट से पहले हम कन्वर्ट करेंगे सॉल्यूशन के लिए तो सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 195 + 35 230 होगा जी 230 होगा अब 230 सॉल्यूशन का होगा सॉल्यूशन कितना 35 है तो इसको करेंगे 35